फ्रेंड्स, मैं हूं अनु और आपका स्वागत है नन्हे पग में, जहां हम बातें करते हैं मॉमी टॉक्स की। और आज मैं बातें करने वाली हूं कि जब थोड़ी सी ठंड आ जाए तो हम अपने बच्चे के लिए कौन से ड्रेस को सेलेक्ट करें ताकि मॉम को बहुत इजी हो जाए वो पहनाना और बच्चों के लिए उससे भी ज़्यादा ईजी हो जाए उसे पहनना। क्योंकि जब ठंड स्टार्ट होती है तो एक माँ का कंसर्न होता है कि बच्चे बीमार ना पड़ जाए, तो उन्हें बहुत सारे लेयरिंग करके बहुत सारे कपड़े पहना देते हैं। तो मैं आपको बताना चाहूंगी, जैसा डॉक्टर बताते हैं कि बच्चों को कभी भी, हाँ, हमसे ज्यादा उन्हें पहनना जरूरी है। जब अगर हम एक कपड़े पहन रहे हैं तो उन्हें दो लेयर में पहनाना चाहिए, लेकिन इसका मतलब ये हरगिज नहीं है कि आप एक बहुत सारे लेयर में उन्हें कपड़े पहना रहे हैं और बच्चे को ओवर हीटिंग हो रही है। डॉक्टर बताते हैं कि ओवर हीटिंग होने से भी उन्हें बहुत प्रॉब्लम होती है, इसलिए उन्हें ज्यादा लेयरिंग करके कपड़े ना पहनाए। तो जब ठंड स्टार्ट होती है और थोड़ी बहुत ठंड होती है फिर भी उन्हें कैप पहनाओ, सॉक्स पहनाओ, ये सारी चीज़ें बहुत टाइम टेकिंग प्रोसेस होती है। तो मैंने जो अपने टाइम में सॉल्यूशन किया था कि हाँ, ऐसे कौन से एक दो ड्रेस सेलेक्ट करें जिससे कि बच्चे के लिए ये सारी चीज़ें पहनाना का सॉल्यूशन हो जाए और आराम से आप उन्हें एक ड्रेस पहनाएं और उन्हें फुल प्रोटेक्शन मिले, ना उन्हें कैप पहनाने का प्रॉब्लम हो, ना उन्हें सॉक्स पहनाने का प्रॉब्लम हो, तो ऐसी बहुत सारी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन लेके आज आपके साथ शेयर करूंगी। जी हाँ, ऐसा ही। तो फ्रेंड्स, मैं आपको शेयर करने से पहले मैं आपको भी बोलना चाहूंगी कि आप ऐसी कौन सी ड्रेस ट्राई करते हैं जिससे कि बच्चों को कम से कम ड्रेस पहनाना पड़े और उन्हें ठंड भी ना लगे, या फिर ऐसी कौन सी ये तरीके अपनाते हैं जिससे कि आपके बच्चों को ठंड से बचा के रखती है, तो प्लीज मुझे कमेंट करके जरूर बताइए ताकि मुझे भी कुछ हेल्प हो पाए एज ए मॉम। तो फ्रेंड्स, आइए मैं आपको दिखाती हूँ कि मैंने कौन सा ड्रेस ट्राई किया था। तो इसको एक रॉम्पर बोलते हैं। ये देखिए, ये सारे एनिमल थीम, डिज्नी का सारा, ये देखिए इस तरह से एनिमल के फेस बने हुए हैं ऊपर और इसके पीछे ऐसे टेल बने हुए हैं। आपको हो सकता है यहाँ पे सही से नहीं दिख रहा हो, तो इसके लिए मैं आपको पिक्चर शेयर कर दूंगी जेनिफर की जो भी ड्रेस में होगी, ताकि आपको दिखे कि कितना अच्छा दिखता है। और इसमें देखिए, सबसे ज़्यादा जो किस लिए मैंने इसे सेलेक्ट किया था, क्योंकि इसमें कैप भी पहनाने की बच्चों को जरूरत नहीं है और ये पूरे ऊपर से नीचे फुल है बच्चों, जब बच्चे बहुत छोटे हैं। ये 3 to 6 months में मैंने लिया था और इसे सॉक्स भी पहनाने की जरूरत नहीं है, ये नीचे तक इस तरफ है और आप उसे एक हगीज पहना दीजिए और पूरा ऊपर से नीचे बच्चे पूरी तरह से प्रोटेक्ट हो गए हैं, उन्हें बिल्कुल ठंड नहीं लगेगी। तो ये 3 to 6 months में मैंने ये वाली ट्राई की थी, फिर मुझे 6 to 9 months में भी लेना था, तो फिर ये 6 to 9 months में थोड़ी ठंड आ गई थी इसलिए मैंने थोड़ा मोटे फैब्रिक में ये लिया था। ये फैब्रिक और ये फैब्रिक में थोड़ा डिफरेंस है, ये थोड़ा मोटे वूलन टाइप से है। ये देखिए इसमें कितने अच्छे से ये पंजे बने हुए हैं, इसके फेस इस तरह से बने हुए हैं, ये पहनाने पे ना बच्चों को बहुत अच्छा लगता है। ये देखिए इस तरह से ये दिखता है कि ये जब आप उसे पहनाएंगे तो उसे बहुत अच्छा लगेगा बच्चों को। तो ये 6 to 9 में लिया था, उसके 9 to 12 में भी मैंने ये जिराफ का लेके ट्राई किया, मुझे ये भी बहुत अच्छा लगा। ये उसमें थोड़ी ठंड कम हो गई थी तो फिर मैंने ये पतले वाले फैब्रिक में ही लिया था। ये देखिए, ये जिराफ का इस तरह से फेस बना हुआ है, इसके पैर के पास इस तरह से अलग से कुछ डॉट फॉर्म में बना हुआ है, तो ये बहुत अच्छा दिखता है जब बच्चे को आप पहनाएंगे। और सबसे ज़्यादा अच्छी बात है कि जब आप बच्चे छोटे हैं तो हाँ, हम उसे ज़्यादा फैंसी ड्रेस नहीं पहना सकते हैं या फिर ऐसा कुछ नहीं पहना सकते हैं कि बहुत सारे चीज़ें उन्हें पहनाना पड़ रहा हो, तो क्योंकि बच्चों को भी थोड़ा अनईजी फील होता है। तो ये 2-3 जब मैंने ट्राई किया तो उसके बाद मैंने सोचा कि और 1-2 ट्राई करते हैं। तो फिर एक मैं ये क्रोकोडाइल का भी लेके आई थी, ये देखिए पीछे इसके क्रोकोडाइल इस तरह से बने हुए हैं, ये देखिए इसके पंजे में भी बना हुआ है इस तरह से, ये देखिए इसके भी फेस पे ऐसे बने हुए हैं। ये कलर भी ये सबका इतना ज़्यादा प्रीटी और सुपर दिखता है और फैब्रिक भी बहुत कंफर्टेबल है। इसके साथ ही मैंने 2 और ट्राई किए थे जो बिल्कुल बहुत ही पतले फैब्रिक में था और कॉटन है 100%। ये सारे मिनी क्लब के हैं और मिनी क्लब के जो फैब्रिक होते हैं बहुत अच्छा होता है बच्चों के कपड़ों के अनुसार। और ये देखिए इस तरह से ये बॉडी सूट टाइप से आप इसे यूज कर सकते हैं, बच्चों को रात में पहना
पहना दीजिए उन्हें, बिल्कुल ठंडने लगेगी। इसमें हुड नहीं था, ये मैंने रात में बस इसे पहनाने के लिए लिया था, क्योंकि बच्चों को रात में कैप पहनाना मुझे नहीं सही लगता था, इसलिए मैं उसे नहीं पहनाती थी और वो पहनती भी नहीं थी क्योंकि उसे गर्मी बहुत ज़्यादा लगती है। तो इस तरह से ही ये ऊपर से नीचे इस तरह से पूरा बॉडी सूट टाइप से ये था। ये दोनों मैंने कॉम्बो में लिया था और ये दोनों को मैंने फर्स्ट क्राई के ऑफलाइन स्टोर से लिया था। ये शायद आई थिंक ये दोनों कॉम्बो 899 का कुछ था, दोनों पैक ऑफ टू था ये दोनों, दोनों सेम फैब्रिक है बस प्रिंट अलग है। तो गाइज आई होप कि मैंने जो भी ड्रेस आपके साथ शेयर किया और जो आपको मैं अपना एक्सपीरियंस शेयर कर रही थी, शायद आपके लिए कुछ हेल्पफुल हो पाए। तो अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट करना ना भूलें।